हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हाइट विंग्स। आशा करते हैं आप सब ठीक ठाक हैं और आपके सब बर्ड्स भी ठीक ठाक हैं। तो फ्रेंड्स, बहुत दिनों से वीडियो नहीं अपलोड किया, तो अभी वीडियो आएगा। कुछ प्रॉब्लम की वजह से अपलोड नहीं कर पाया, तो आशा करते हैं इस गर्मी में आप सब आपका बर्ड्स का अच्छी तरह से टेक केयर कर रहे हैं। और एक बात बोलना चाहूँगा, इस गर्मी में अपने बर्ड्स को आप तो सॉफ्ट फूड दे रहे हैं और उसके साथ ज़रूर पानी में ORS हफ्ते में 3 से 4 दिन बर्ड्स को प्रोवाइड कीजिए, ताकि बर्ड्स एक्टिव रहे, हेल्दी रहे और गर्मी में ज़्यादा तकलीफ ना हो। तो चलिए, आज का वीडियो का टॉपिक है, मेरे पास अभी फ़िलहाल क्या क्या कॉकटेल है, क्या क्या कलेक्शन में मेरे पास है, वही शेयर करूँगा। तो मैंने हंडी लगाया है, अभी एक हफ्ता ही हुआ है, इसलिए प्रोग्रेस तो नहीं दिखा पाऊँगा, लेकिन प्रोग्रेस होने से ज़रूर शेयर करूँगा। तो ये मेरा बहुत पुराना पेयर है लूटिनो का, देख सकते हैं। तो ये मेरा पहला कॉकटेल का पेयर है, तो ये एक पेयर है मेरे पास, देख सकते हैं। और ये इसका जो मेल है, ये बिग साइज़ में है, बहुत ही अच्छा साइज़ है उसका, ठीक है। और सामने जो बैठा है वो फीमेल है। तो इसके बाद इधर आते हैं, इधर एक पेयर है मेरा, ये है फीमेल, लूटिनो का फीमेल है मेरा, देख सकते हैं। थोड़ा अंधेरा है क्योंकि ये केज नीचे की तरफ है। और ये रहा मेल, ये रहा मेल, थोड़ा डरता है, ये रहा मेल, फाइट फेट पैथलेस का मेल है, ठीक है, दिख रहा है शायद आपको, वाइट फेस में है पैचलेस। तो यही जोड़ा है, वाइट फेस पैचलेस जो है वो मेल है और लूटिनो फीमेल है। ऊपर चले आए हैं, इधर देख सकते हैं लूटिनो है और उसके साथ पैचलेस, फुल्ली पैचलेस है, देख सकते हैं। ये अंडा ले किया है इसलिए इतना प्रोटेक्टिव हो रहा है। तो ये पैचलेस फीमेल है, और सॉरी, पैचलेस मेल है और लूटिनो जो है वो फीमेल है, देख सकते हैं। तो ये तीन पेयर ब्रीडिंग पेयर को मैंने हंडी दे दिया है। और इधर पे एक पेयर है मेरा पैचलेस बटरफ्लाई का है, मार्किंग भी आप देख सकते हैं, और भी मार्किंग होगा। अभी इसका एज हो रहा है 9 मंथ प्लस, ये है पैचलेस बटरफ्लाई में। और ये है पार्ल पैचलेस, ये भी बहुत खूबसूरत है और बहुत ही अच्छा साइज़ में है, बटरफ्लाई से भी अच्छा साइज़ में है, लगभग एक ही एज के ही है, दोनों डिफरेंट ब्लड लाइट के हैं, इसलिए मैंने इन लोग को 6 मंथ एज से ही ख़रीद लिया। तो ये दो अभी मेरे पास फिलहाल है, तो अभी जब एज होगा उन लोगों का ब्रीडिंग का, तब मैं ब्रीडिंग बॉक्स प्रोवाइड करूँगा। तो ये 4 पेयर मेरे पास है, और भी एक पेयर है, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। वो पेयर मेरे आउटडोर में रखा हुआ है, वो भी दिखाता हूँ। और ये रहा मेरा 5वां पेयर, पाइड मेल है और लूटिनो फीमेल है। ये बहुत ही खूबसूरत मेरा एक पेयर है, इस साल ही मैंने जोड़ा लगाया है। पाइड और लूटिनो दोनों का ही साइज़ बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बिग साइज़ में है, और उन लोगों का टेल भी बहुत ही अच्छा है, बहुत ही खूबसूरत लगता है जब फ्लाई करते हैं। तो इन लोगों को मैंने फ़िलहाल डीवॉर्मिंग करा दिया है और बॉक्स प्रोवाइड करेंगे। थोड़ा गर्मी की वजह से मैं लेट कर रहा हूँ, तो अभी कुछ दिनों में ही इन लोगों को बॉक्स प्रोवाइड कर देंगे। तो ये मेरा आउटडोर में है, तो यही 5 पेयर अभी मेरे पास कलेक्शन है, सब डिफरेंट कलेक्शन में मैं रखा हूँ, सिर्फ लूटिनो ही नहीं रखा है, तो और भी कुछ आएगा, पर्ल, ब्लैक, ये सब आएगा, फॉन, ठीक है। तो वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइए, कमेंट कीजिए, और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए।